this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वंस अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आपको अपनी स्किल इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो स्टॉक्स आप चाहते हैं वो मैं आपको तक प्रोवाइड करूँगा सिक्सटीन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए भी मैं लेवल्स आपको बताऊंगा एट दी एंड तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मुथुत फाइनेंस से तो जैसा कि आप सभी को पता है मैंने इसका जो लेवल था वो हल्का सा चेंज किया था बट उस लेवल से भी ये काफ़ी ऊपर जाके खुला तो ये जो खुला ये लगभग लगभग इसमें आपको पॉइंट्स दिख रहा होगा ये जो क्लोजिंग प्राइस थी इसकी थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टीन की थ्री और ये जो ओपनिंग प्राइस है इसकी ये है लगभग लगभग थर्टीन हंड्रेड थर्टी की तो इसमें फिफ्टीन पॉइंट का गैप आपको देखने को मिला और उसने गैप रिफ़िल नहीं किया तो इसलिए इस स्टॉक में हमारी ट्रेड नहीं हो पाई अगला स्टॉक था हमारा एम जी एल में देखिए हमारा हुआ क्या कि एम में इसने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा अगर मैं आपको दो चार दिन के चार्ट दिखाऊं तो इसने बहुत ही कम मूवमेंट आज दिखाया है इसमें हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट प्राइस ही अचीव हो पाया बाई साइड मैंने आपको कहा था 45.50 पे आपको बाय करना है और आपको समझ आया होगा आज की मैं जो बोलता हूं लेवल ब्रेकआउट करने के लिए वो क्यों बोलता हूँ ये चीज़ आपको समझ आएगी क्योंकि ये एग्जैक्ट फोर्टी एलेवन हंड्रेड एंड आया और उसके बाद डाउन आ गया तो आपको समझ आया होगा अगर आप लेवल ब्रेकआउट होने से पहले ही बाय करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगला था हमारा इंदोसिन बैंक जो मैंने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन जरूर हो जाएगा मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में देखिए ये स्टॉक ये भी स्टॉक हमारा जो था काफ़ी गैप अप ओपन हुआ इसमें भी हमारी कोई ट्रेड नहीं एक, एक्टिवेट हो पाई गैप अप ओपन होने के कारण जो मैंने आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पर लेवल्स दिए थे उनकी ट्रेड हमारी एक्टिवेट नहीं हो पाई क्योंकि रीज़न मैंने आपको दिखाया तो ये दो गैप अप थे सारे गैप अप थे और गैप अप का अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता हूँ कि कितना होने वाला है कितना ज़्यादा होगा होगा कि नहीं होगा उम्मीद तो थी मेरे को मैं इसलिए स्टॉक जो थे मैंने काफ़ी हाई रेंज में मैंने अपर मतलब इसके लेवल से थोड़ा ऊपर ही दिया था जो लेवल बन रहा था एक्चुअल लेवल पर उससे भी ऊपर जाकर ये खुला तो इसमें भी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ चलिए मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि जो लेवल्स मैंने आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड करता हूँ देखिए मैं व्हाट्सएप पे मैंने कहा था आपको 400 टू 700 की रेंज में मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ उनमें से एक था हमारा अडानी इंटरप्राइजेस जिसे हमें लगभग लगभग इस प्राइस रेंज में ही बाय करने के लिए यहाँ का लेवल बना था यहीं पे मैंने बाय करवाया था आप अगर चेक करेंगे लेवल्स तो 720 के नीचे 720 के बाद देखिए ये इसने अपना हाई बनाया सेवन का और मैं हमेशा आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मिनिमम 15 टू तो 25 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस मिला के तो ये हमारे व्हाट्सअप का जो स्टॉक था ये था अगला था हमारा जसडाइल जसडाइल की मैं बात करूँ तो जसडाइल ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक गैप अप जरूर ओपन हुआ लेकिन इसने अपना गैप रिफ़िल किया गैप रिफिल करने के बाद जब इसने बाय किया तो इसने भी आपको 15 टू 25 वाला जो मैंने आपको कहा है तो इसने ये मूवमेंट भी दिखाई तो इजीली आपने इसमें भी क्या होगा इस स्टॉक में आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली पर एक टारगेट प्राइस इसमें भी अचीव हो ही गया क्योंकि ये स्टॉक जो था यह गैप ऑफ ओपन होने की कंडीशंस बन रही थी तो मैंने स्टॉक्स को थोड़ा सा ऊपर ले लिया था बट ये जो स्टॉक था गैप ऑफ ओपन नहीं हुआ बट इसने पहला टारगेट प्राइस अचीव कर लिया था आखिरी था हमारा शक्ति पंप जिसमें हमारा जो था बाई साइड का जो लेवल था वो ये अप्रॉक्स यहीं पे बना था और यहीं पे ये ओपन होने के बाद पहले डाउन आया फिर दोबारा से ऊपर गया फिर ऊपर जाने के बाद इसने काफ़ी अच्छा आपको टारगेट दिखाया लगभग लगभग फिफ्टी पॉइंट टू सिक्सटी पॉइंट्स इसने दिखाए हैं आप अगर आपको श्योर करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मैं आपको लेवल्स भेज दूंगा क्या इनके लेवल थे उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ट में जो मैंने बताया वो चेक कर लीजिएगा और हाँ आपको अगर हमारे साथ ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा हमारे जो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल के जो स्टॉक्स थे वो वर्क नहीं कर पाए पर जो हमने आपको व्हाट्सएप पे दिए थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया तो मैं रोज करता हूँ फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में स्टॉक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में फोर टू फाइव कॉल्स में प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में तो आप भी अगर चाहते हैं कि फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में स्टॉक पाना वो भी फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव मिनिमम आपको मिल ही जाए पॉइंट्स बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं सिक्सटीन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं आपको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया उम्मीद है बाकी मैं आगे वीडियो में आपको समझा दूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप बाय करके चलेंगे फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो का टारगेट रहेगा फिफ्टी हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखने का बहुत सारे रीजन है मेन रीज़न ये कि अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपका एक टारगेट प्राइस अचीव हो जाए और स्टॉक अगर गए गप डाउन ओपन हो तो भी आपका एक नए टारगेटेटे प्राइज़ अचीव हो जाए इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्माल रखता हूँ दूसरा है फिफ्टी और तीसरा फिफ्टीन का स्टॉप पसट्टीन हंड्रेड एट यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड आप इसका स्टॉप प्लस एट मार्केट से बाहर आएंगे एक्जैक्ट फिफ्टीन हंड्रेड एट नहीं मानेंगे क्योंकि रीजन ये है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है इस प्राइस पे आने के बाद स्टॉक ऊपर बढ़ जाए से बाहर आ जाए और टारगेट जो है सारे अचीव हो जाए इसलिए, इसलिए इसलिए जो है मैं लेवल, ब्रेक होने के बाद इस लेवल से नीचे जाने के बाद ही हिट करवाता हूं शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1505 यानी कि 1504.50 का आपका जो लेवल एक्टिवेट होगा 1505 पे एक्जेक्ट शॉर्ट सेल नहीं है टारगेट रहेगा 1500 1490 1480 का स्टॉप लॉस का रहेगा फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन पे अपना ऐसे हिट मार्केट ट्रेड से बाहर आएंगे स्टॉक अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या कंडीशन देखनी है सबसे पहले तो देखिए अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले तो उन स्टॉक को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए स्टॉक्स हैं उन पर नजर डालिए अगर वो स्टॉक्स अप ओपन नहीं हुए तो उन स्टॉक्स पर ट्रेड कीजिए अगर सारे स्टॉक्स अप ओपन हो हो गए तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे इलेवन ए एम तक एट हंड्रेड से बड़े स्टॉक्स में आप इलेवन ए एम तक वेट करेंगे उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा ये जो बाइंग प्राइस है और ये जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इन दोनों के बीच में वो एक मिनट का होल्ड लेगा यानी कि बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड लेने के बाद जब वो लेवल ब्रेकआउट करेगा तब आप उसे बाई या शॉर्ट सेल करेंगे अगर वो होल्ड नहीं लेगा एक मिनट का तो आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे तो आपका पहला टारगेट पता रहेगा फिफ्टीन हंड्रेड ये सब मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा 400 टू 700 की रेंज में मिनिमम आपको 15 टू 25 पॉइंट्स मिल जाते हैं बहुत बाइंग और शॉर्ट सेलिंग साइड दोनों मिला के अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं 400 टू 700 की रेंज में आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करूँगा मैं मॉर्निंग में व्हाट्सएप में और अभी मैंने आपको रिव्यू दिखा दिया आज मेरे को रिव्यू दिखाना पड़ा क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे लेवल एक्टिवेट नहीं हुए थे तो आपको ऐसा लगेगा कि लेवल्स ही एक्टिवेट नहीं हो रहे तो फायदा क्या है बट जो मैंने आपको दिखाया वो व्हाट्सएप के लेवल्स हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें

आज में की वीडियो बस इतना नहीं अगर आपको जो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए लॉस में कई ट्रेडर तक हमारी वीडियो को पहुँचाइए और हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तब तक तक के लिए धन्यवाद